हम वृंदावन वास करना चाहते, हम वृंदावन में रहना चाहते, लेकिन प्रभुपाद का जो विचार है ना, प्रभुपाद का ये विचार नहीं था। इसलिए जो मेरे गुरु जी तीन मंदिर स्थापन किए, एक नवद्वीप में, एक पुरी में और एक श्री कलकत्ता में, लेकिन गुरुदेव ज्यादा काम कर रहे। पुरी में रथ यात्रा का समय मानते थे, नवद्वीप में परिक्रमा के समय, केवल नवद्वीप, जब नवद्वीप परिक्रमा समय जाते थे और कार्तिक महीना में जाते थे, और जो 10 महीना रहते थे कलकत्ता में। केवल मेरे गुरु जी नहीं, प्रभुपाद को देखो, कहां धाम में कई वास किया प्रभुपाद, ज्यादा धाम में वास नहीं किया। हमारे जितने गुरुवर्ग को देखो, जितने गुरुवर्ग भक्त थे, माधव गोस्वामी महाराज भक्ति प्रवण, पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति वल्लभ, तीर्थ गोस्वामी महाराज, इन लोगों ने कोई भी ज्यादा कोई धाम में नहीं रहे। कहाँ पर रहे? जहाँ पर महाप्रभु का प्रचार प्रसार हो, जहाँ पर महाप्रभु का सेवा हो ना, अक्सर करके वहीं पर हमारे गुरुवर्ग ने रहा है। मुख्य उन्होंने बनाया, प्रचार को उन्होंने मुख्य बनाया, मुख्य धाम को इतना उन्होंने, जितना महत्व धाम को दिया उससे ज्यादा महत्व उन्होंने प्रचार काम में दिया। अगर सबके सब अगर धाम में बैठ जाते, इतना जो प्रचार हो रहा है, कोई प्रचार होता? प्रचार नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद का विचार है, जथाए हैं जखाने हरि कथा सिखाने तीर्थ, जहाँ पर हरि कथा हरि कीर्तन, जहाँ पर भगवान भजन, वही तीर्थ है। कभी जथा साधु तथा तीर्थ, इसलिए जखाना हरि कथा सिखाने तीर्थ, प्रभुपाद ये बात बताया करते थे। इसलिए क्या वृंदावन में गुंडे बदमाश नहीं रहते? बाकी भी हर मंदिर में जाओ, जेब में भर करके पैसा लाओ, आप इधर घूम करके निकल करके आओ ना, जेब सारे इकट्ठा बदल गए, क्या वहां जेब का कर नहीं रहते? कुंडे बदमाश ने चंदन भर तो दिया, तभी तो जगत में इतने प्रचार प्रसार तभी तो हुआ है, तो प्रचार प्रसार कैसे होता? इसलिए हम लोगों को भी महत्व तो ज्यादा देनी चाहिए, जहाँ पर महाप्रभु का सेवा हो, महाप्रभु की कथा प्रचार हो, महाप्रभु का नाम हो, क्योंकि महाप्रभु का यही भविष्य था ना। क्या भविष्य बनता? पृथ्वी आशीजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैवे मरना है, सुखी है या लोक मर गाय शुभ कृति, ये महाप्रभु का भविष्य। आमार आज्ञा गुरु हैयाकार है देश, ये महाप्रभु का ये आदेश है। नित्यानंद और हरिदास ठाकुर क्या बोले? बोले सुना सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, कहते नित्यानंद और हरिदास सुना, बोले क्या है? बोले आमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश, मेरी जो आज्ञा को सर्वत्र प्रकाश करो, प्रचार करो। सर्वत्र मतलब प्रभुपाद कहते सर्वत्र मतलब हाँ, देश नहीं विदेश में, सर्वत्र मतलब विदेश में, और जारे देखो तारे कहो। महाप्रभु किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को नहीं बोले, बोले जिसको देखो उसको क्या बोलो, उसको हरि कथा बोलो, भगवान की उसको नाम प्रचार करो। जारे देखो तारे कहो मोर उपदेश और अमर आज्ञा गुरु भैया तार एक देश, कहते मेरी आज्ञा से हैं बताते ही किससे प्रकट होते हैं, कि सब के सब श्री नित्यानंद प्रभु से प्रकाशित होते हैं। इससे जो कानंद वसाई यही माया को प्रतिखन करने पर माया अनंत बड़े विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करती है, और हर ब्रह्मांड में ये गर्भक वसाई रूप में हर ब्रह्मांड को अपना पसीना से आधा भर करके, जिनके नाभि कमल से ही पितामह ब्रह्मा सृष्टि होते हैं। अखिरा ठीक है, के दूसरा कारण क्या है? इनको भिक्षा मांगने के लिए भेजा। भिक्षा, भिक्षा कौन मांगता है? जैसे हम कहते हैं ना, हमें कुछ डोनेशन दे दो, कुछ भिक्षा दो, जिसको पास में जो चीज नहीं है वो चीज जाकर के भिक्षा मांगता है। जैसे साधारण व्यक्ति जाकर के भिक्षा मांगते हैं, हमें भिक्षा दो, और भिक्षा करने वाले व्यक्ति का हाथ नीचा, देने वाले का हाथ ऊंचा रहता है। लेकिन ये दो व्यक्ति को भिक्षा के लिए भेज रहे हैं, बोले कौन? बोले जिनसे एक तो विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, और एक व्यक्ति इसी जगत को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा। अभी जो व्यक्ति जितना बड़ा व्यक्ति होता उसको तो उतना डोनेशन देना पड़ेगा ना। ये साधारण व्यक्ति को आता है, जैसे छोटे साधारण व्यक्ति हम कुछ पैसा या आटा चूर कुछ भिक्षा दे देते हैं, अगर कोई राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर भिक्षा, तो साधारण व्यक्ति को पास में थोड़ी भिक्षा मांगेगी, वो तो करोड़ों करोड़ रुपया भिक्षा मांगेगी। इसलिए अभी जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा उसको तो उसी हिसाब से भिक्षा देना पड़ेगा ना।
इसलिए ये दोनों तो साधारण व्यक्ति नहीं जो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। इसका तात्पर्य यह है ये लोग कोई साधारण भिक्षा मांगने हमारे पास में नहीं आते, ये दुनियादारी वस्तुओं को भिक्षा मांगने के लिए आए, वो बहुत बड़ी चीज को भिक्षा मांगना है। किस चीज को? बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिष्य, बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भजन करना तो कृष्ण भजन करो। और जीवन में अगर किसी चीज को शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो बोले कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा, साक्षात भगवान को मांगने के लिए, साधारण चीज मांगने के लिए नहीं आए। इसलिए भगवान की नाम को ही भिक्षा मांगने के लिए हुआ है। कितना कारण हो गया? दो कारण हो गया। बोले तीसरा कारण है, तीसरा कारण क्या है? कहते श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? बोले नित्यानंद प्रभु आदि गुरु। कहते निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण बाबे, निताई है ना, निताई विनय भाई राधा कृष्ण भाई विनय। नित्यानंद प्रभु कौन? कहते आदि गुरु श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा तब तक महाप्रभु का कृपा नहीं होगा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी बार-बार चेष्टा कर रहे थे महाप्रभु के पास में आने के लिए, लेकिन पिताजी क्या कर रहे थे, पकड़ पकड़ घर में ले आते। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के पास में गए, हाँ पानी हाथी में, नित्यानंद बोले तेरे को मैं दंड दूंगा। बोले क्यों? बोले तू चोर हो, राधा कृष्ण मेरे संपत्ति, और मेरे को बिना बोले हुए तू चोरी करना चाहते है, मेरे कृपा के बगैर तू राधा कृष्ण महाप्रभु तेरे को दंड दूंगा। क्या दंड? सारे भक्तों को मंडा दिया, दही हीड़ा खिला। भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया है, दंड भी उत्सव भंडारा है। इसलिए मैंने इनको तो सबको प्रसाद खिला, जब उन्होंने सब भक्तों को प्रसाद खिलाए, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव कर, भक्तों का हृदय भी भगवान के निवास। जब भक्त संतुष्ट हो जाते हैं तब सबके सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, आदि गुरु। इसलिए नित्यानंद प्रभु इसलिए भेजे, पर ये आदि गुरु इनके चरण में हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। इनके चरण में श्री गुरु जी के चरण में हमें सबसे पहले गुरु जी के चरण में शरणागत होनी चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु को भेजा। दूसरे किसको भेजा? श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। ये कौन है? कहते हैं नाम के आचार्य, दिन में जो तीन तीन लाख हरि नाम करते थे हैं? एक तो श्री नित्यानंद प्रभु का चरणों का आश्रय, और जो दूसरा काम है आश्रय करके और हरिदास ठाकुर से ये जो हरे कृष्ण जो महामंत्र है, क्योंकि महाप्रभु बोले ने प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, यह जब किया सबे करिया निर्बंध, यह है ते सर्व सिद्धि है सभा सर्वक्षण बलविधे विधिना। महाप्रभु का यही निर्देश है, मैंने तुम लोगों को ये हरिनाम दिया है, ये हरिनाम को नियमित पूर्वक ही हरिनाम को जप करोगे। हरिनाम जप करने से क्या होगा? यह इते सर्वसिद्धि है विश्वास। सर्वसिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम व कृष्ण प्राप्ति केवल इसी महामंत्र से होगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु इसलिए भेजे, इनके चरण का आश्रय करो, और आश्रय करते हुए हरिदास ठाकुर से क्या करो कि हरिनाम को, हरिदास ठाकुर से हरिनाम को ग्रहण करो। इसलिए मैंने ये दो व्यक्ति को भेजा, नित्यानंद प्रभु को श्री हरिदास ठाकुर को भेजा। कितना कारण हो? तीन। और ये कारण है ना, हरि के कारण है। नित्यानंद प्रभु सबसे ऊंचे, हरिदास ठाकुर सबसे नीचे, हरिदास ठाकुर ब्लेच, हाँ इसलिए इसको याद है। इसलिए कहते और चौथा कारण बताए, अभी महाप्रभु सोच रहे हैं अगर श्री नित्यानंद प्रभु को अकेला आकर भेजू भिक्षा करने के लिए है, साधारण ये नित्यानंद प्रभु कौन सा परिवार में जन्म हुए? श्रेष्ठ ब्राह्मण घर है। अगर नित्यानंद प्रभु भेजेंगे तो दुनिया बोलेगा भैया भजन किसको करनी चाहिए? बोले जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए हैं उनको ही भक्ति करनी चाहिए, उनको ही है भक्ति करनी चाहिए, और लोग ये समझेंगे। इसलिए लेकिन अगर हरिदास ठाकुर को भेजे, हरिदास ठाकुर कौन? मुसलमान कुल में जन्म हुए, अगर ये प्रचार करने के लिए जाएंगे ना, अरे जो भजन जो मुसलमान लोग जो भजन करने वाले जो भजन करने जो कौन करेगा, ये सब मुसलमान लोग जो भजन करते। इसलिए वो छोटे छोटे जाति व्यक्ति हैं बोलेंगे, जे साधारण लोग बोलेंगे भक्ति छोटे जो व्यक्ति
जाति लोगों को करनी चाहिए। अगर श्री नित्यानंद प्रभु भेजेंगे तो साधारण लोगों का भावना क्या होगा, अरे भक्ति तो केवल ब्राह्मण लोग ही करते हैं, हम साधारण व्यक्ति थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए आप देखना इसी जगत में अगर कोई अच्छे देव हायर एजुकेटेड अगर कोई बच्चा प्रचार करने के लिए जाए ना, उसको जब उसने कहा भैया इसका डिग्री क्या है, बोले इंजीनियर कर रहा था, वो सीए कर रहा था। बोले बाबा इंजीनियर सीए कर रहा था सब छोड़ के भजन के लिए आए, भैया इसमें कुछ उतार है। अगर बुद्धि अगर कोई बात बोले कौन बोले बुद्धि बोल रहा है, भैया इस बात में सुनता है। इसलिए देखना आप जैसे व्यक्ति प्रचार करने के लिए जाए ना, लोग ठीक वैसे लोग जुड़ते हैं, वैसे ठीक लोग जुड़ते हैं, हैं? जैसे हमारे सुंदर गोपाल प्रभु अभी प्रचार करते हैं, अभी इतना लिखे बड़े जब प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, जब उनके एजुकेशन सुनते भाई इतना लिखाई पढ़ी कर रहा था सब छोटे बाबा जी बने गया, इसलिए 200 लिखे बड़े बच्चों को पकड़ के ले गया है। ये जगत है नियम है, जैसे व्यक्ति प्रचार करते है ना, वो प्रचार में ठीक वैसे वैसे व्यक्ति जुड़ते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति हाँ वैसे जुड़ते व्यक्ति। इसलिए स्वामी महाराज प्रचार करने के लिए आए, इतने अच्छा बोलते थे, इतने अच्छे उत्तर, तभी तो लोगों को पकड़ कर लाए ना, नहीं तो इनको पकड़ कर लाना कुछ आता ना, अंग्रेजी को बोड़ मुड़ा करके छोटी पकड़ कर गला में कैंटी धारण कराना, ये कोई साधारण बात नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया गए थे गुजरात व्यक्ति, एक गुजरात व्यक्ति से मिला, मैंने कहा भैया तुमने कैसे विदेश में कैसे भक्त बना, वो गुजरात से गया हुआ था। एक दिन देखा ये अंग्रेज लोग मुड़ मुड़ा करके चोटी गला में कंठी तिलक लगाकर धोती पहन करके मैं रोड में हरे कृष्णा 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 हरे राम भगवान की भक्ति करते ही वो कह रही थी मेरे को, मैं उनके घर में गया था, बोल रही थी स्वामी महाराज का शिष्य है, बोले भैया इनको इनको इसकी सर बुढ़ा करके चोटी कंठी पहना है किसने, कितने किसका इतने शक्ति है अंग्रेजियों को, ये अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में इनका मुंह बुढ़ा करके चोटी रख करके, भैया इनको किसने किया, वो व्यक्ति कौन है, मैंने ढूंढा, बोले मैं तुम्हें ढूंढा कौन है, गुजरात का गुजरात उन्होंने स्वामी महाराज हो गई। बोले महाराज जी आप जो काम किया ना ये काम कोई नहीं कर सकते, ये अंग्रेजी को मुड़ मुड़ा करके चोटी तिलक कंठी लगाना धोती पहनाना कोई साधारण बात नहीं था, कभी इसको देख कर को पूरा के परिवार के परिवार बदल गए। हम फिजी जाते हैं, वहां पर हमारे गुरु जी का शिष्य है, वो फिजी के राजा है, और फिजी के राजा है, उनको कितने बड़े बड़े फैक्ट्री, उनका सारे उनका जो रोटी और उनका साबुन शैम्पू पूरा पृथ्वी में जाता है, फिजी में पृथ्वी में जाता है उनका, वहां के राजा वो आते हैं यहाँ पर, जना गले में कंठी धोती पहन करके सारा दिन हरिनाम करते, सारा दिन हरिनाम, राजा वहां के पूरा उनको बच्चे उनको परिवार सब भगवान की भक्ति करते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए नित्यानंद हरिदास ठाकुर दोनों को क्यों भेजे, कारण क्या, बोले कारण है हरिदास ठाकुर को देख करके साधारण व्यक्ति आकृष्ट होंगे, और नित्यानंद प्रभु को देख करके उच्च से उच्च शिक्षित लोग आकृष्ट होंगे, और जो कृष्ण भजन में छोटे से लेकर के छोटे और बड़े से लेकर के बड़े व्यक्ति भगवान की भक्ति में सभी का अधिकार है। इसलिए बोले श्री कृष्ण भजने सबे अधिकार जाति कुलेर गर्व नाही, जय भजे सही बड़ा अभक्त हीन चार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुलेर गर्व नाही, कृष्ण भक्ति में जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई, इसलिए भगवान के भजन में सबका अधिकार है, उसमें जात पात का कोई विचार नहीं।
इसलिए जय भजे सही परम, जो भजन करता है वही बड़ा है। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, हे मन की कले बरना फूल, हे मन की कले बरना करे वर्ण कुल। बोले मैं तुमने कुल को इतना बड़ा कैसे बना दिया? बोले जय कुल करना जन्म ना है केवल भजन। भले जिस कुल में तुम्हारी जन्म क्यों नहीं हो, जो भजन करता है जय भजे से ही बड़ा, जो भजन करता है वो बड़ा है। एक एक उदाहरण देते हैं। बोले बताओ हनुमान जी कौन सा कुल में जन्म लिए? बताओ कौन सा कुल? बंदर। हनुमान खुद कहते हैं अगर कोई सवेरे है, अगर कोई व्यक्ति सवेरे उठ करके मेरे मुंह देख ले, मेरे कोई नाम ले ना, जिन भर उसको भूखा रहना पड़े। ये हनुमान खुद कहते, क्योंकि बंदर है कहते सवेरे उठ कर बंदर को मुंह भी देख ले, बंदर का नाम ले, दिन भर को भूखा रहना पड़े। ये हनुमान खुद रामचरित मानस में कहते। लेकिन तब ये बंदर को प्रभु राम ने कितने बड़ा ऊंचा आसन दिया। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? बोले सुमेरी पवन सुता पाव नाम, आप ना बस करे राखे राम, केवल प्रभु का नाम, केवल भक्ति। मतलब विभीषण कौन से जात में जन्म राखा? लेकिन जब प्रभु का राम दरबार बैठता है, भगवान राम स्वयं उनको बराबर आसन, ठाकुर को बराबर आसन, जिस सिंहासन में प्रभु बैठते हैं बराबर रूप में विभीषण को बैठाते हैं। मतलब गोपियां कौन से जात में जन्म ग्रहण किया है? ये गोकुल में है, गोकुल में छोटे जात में जन्म ग्रहण किया। लेकिन उद्धव जैसे व्यक्ति जी की चरण की एक धूल को बंधना उद्धव जैसे व्यक्ति करते हैं। सबरी ने सबरी आत्म जन्म ग्रहण की, लेकिन ठाकुर जिसका झूठा बैल खाते हैं। इसलिए कहते श्री विदुर, कहते दुर्योधन की विवाह त्यागे साग विदुर घर खाए। ठाकुर जी विदुर घर में छोटे जाति के घर में जाकर के भगवान साग की भाजा केले का छिलका ठाकुर उठाते। इसलिए यहाँ पर इसलिए उन्होंने हरिदास और नित्यानंद प्रभु को भेजा। इसलिए भेजे, कारण क्या? बोले कारण है कि अगर ये दोनों को हम भेजे के तब दुनिया को पता चलेगा भगवान के भजन में सभी का अधिकार है। इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्तियों को द्वार द्वार में भेजे और इन्होंने भगवान कृष्ण भक्ति की उन्होंने दीक्षा मांगे। इसलिए महाप्रभु देखो नित्यानंद प्रभु कितने साक्षात अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा स्वरूप प्रहलाद वर्मा। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे थे? घर घर में जाकर के झोली बिछा बिछा कर भिक्षा करते। इसलिए यहाँ पर शिक्षा है, हम लोगों को भी भिक्षा करनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये मत समझो अरे भिक्षा करने से पेस्ट्री डाउन हो जाएगा, हम कैसे भिक्षा? नहीं, महाप्रभु कौन है? बोलो महाप्रभु कौन है? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक। ये राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक प्रभु। तो महाप्रभु क्या महाभगवान से क्या जरूरत भिक्षा करने का? महाप्रभु कैसे जीविका निर्वाह कैसे करते थे? महाप्रभु बताओ कैसे जीविका निर्वाह करते? भिक्षा करके रोज। महाप्रभु माधुर्य भिक्षा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जिनके लिए उदाहरण देते हैं, इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य, स्त्री कैसे अप्सर जैसे स्त्री है, जिनका वार्षिक आय 10 लाख रुपया स्वर्ण मोहर, जिन वार्षिक आय था इतने कहते इंद्र तुल्य ऐश्वर्य, लेकिन उन्होंने कैसे भजन किया करके बताओ? लक्ष्मी बाजार में जो प्रसाद बिकता नहीं था, जो प्रसाद नहीं बिकता था वो गरीब लोग तो देते थे, वो गेट को बाहर खड़े रहते थे, जो बिकेगा नहीं उसको जो दे जाते थे उसको खा कर को भजन करते थे। जब महाप्रभु उसमें भी संतुष्ट नहीं हुए, जो चावल को है जो चावल को सड़ जाता था बिकता नहीं, जो फेंक देते गया नहीं उसको उठा करके धो धो करके नमक देकर खाते थे। और महाप्रभु गए और एक मुठ्ठी दो मुठ्ठी जब खाए, स्वर्ग दामोदर हाथ पकड़े, बोलो प्रभु
कि आपका भोजन नहीं। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे थे, बोले रघुनाथ इतने बढ़िया बढ़िया चीज तो अकेले खाते हो, गरीब नहीं देते हो, तो अकेले इतना बढ़िया बढ़िया चीज तुम अकेले खाते हो और तुम मेरे को नहीं देते हो ये चीज को। सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, रूप गोस्वामी जिनका ठाकुर देखो फाइनेंस ये थे, ये वित्त मंत्री ये थे, इतने बड़े बड़े और कई से भजन करते थे, एक एक पेड़ को नीचे एक एक दिन रह, एक एक दिन रह करके इस भजन की, तब तो जगत में इतना नाम है। इसलिए आप बच्चे लोग भी ठीक है, आप लोग बस बड़े उत्साह पूर्वक क्या करो, भगवान की कथा प्रचार करो, भगवान की भिक्षा करो, हैं भगवान की भजन करो। कभी ये नहीं सोचना हमारी, हम इतने पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कहाँ नौकरी चाकरी हम कर सकते थे, हम पैसा घर में पैसा कमा सकते थे, कहाँ आकर फंस गए ये बाबा को चक्कर में, कहाँ फंस गए ये बाबा आपके चक्कर में, हमने कहाँ फंस गए, ये सब चीज़ को नहीं सोचना ठीक है ना, नहीं सोचना इस चीज़ को, नहीं सोच करके बड़े उत्साह पूर्वक। प्रभुपाद कहते थे सत लाछना सत गंजना सत अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, ये प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कथा बोलेंगे प्रभुपाद बोल कर गए हैं, मैंने कुछ लोगों को कष्ट दिया, क्योंकि जैसे तुम लोग यंग बच्चे आ गए ना, प्रभुपाद का समय भी थी, हमारे जो गुरुदेव थे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज स्वामी महाराज और जितने थे बड़े बड़े घर के सब बच्चे थे, बड़े बड़े अच्छे उच्च शिक्षित भक्ति रखते सुंदर गोस्वामी महाराज श्री भक्ति बन महाराज जी बड़े बड़े सब प्रभुपाद का शिष्य बड़े बड़े घर के बड़े बड़े नौकरी चाकरी भारत महाराज बड़े बड़े नौकरी चाकरी छोड़ करके उन लोगों ने आए, लेकिन उनको पिता माता ने प्रभुपाद को अभिशाप दिया, सब हमारे यंग बच्चों को नन्हे मुन्ने बच्चों को तुमने सब बाबा जी बना दिया है, सब इनको बाबा जी बना दिया, सब इनका धोती भेजा कर बाबा जी बना, उन लोगों को तुम नाराज हो गए ना, प्रभुपाद को अभिशाप दिया मेरे बच्चों को ले लिए। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे मैंने जो चीज जगत को दिया है एक ना एक दिन तुम लोग समझोगे मैं जगत में क्या चीज देने के लिए आएगा और क्या चीज मैंने दे कर गया, एक ना एक दिन समझोगे। इसलिए हमारे श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते थे ये भोग बात को इस भोग को एक जीवन के लिए इसको स्टॉप करो कहते थे, हमारे जो त्रिविक्रम महाराज कहते थे इसको भोग एक जीवन स्टॉप करो बंद करो, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे लिए ये रिजर्व है तुम्हारे लिए, कहते कौन सा जीवन में तुमने सब काम नहीं किया, स्वर होने पर स्वर मिल गया, गधा होने पर गादी मिल गई, इसलिए कुत्ता होने पर कुत्ती, कौन से जीवन में नहीं किया, यही तो करते करते आ रहे खा रहे हो पी रहे हो बच्चे जन्म दे रहे हो उनको बढ़कर मर जाते हो, और इससे क्या ज्यादा किया, इससे तो ज्यादा कुछ किया नहीं ना, खाए पिए मर गए दो चार बच्चे जन्म तो फिर बड़े हो गए, यह हर जीवन के लिए रिजर्व है। लेकिन एक जीवन क्या करो भगवान की सेवा में एक जीवन लगाओ, एक जीवन इसको स्टॉप करो, स्टॉप करते हुए क्या करो एक नाथ जी को गुरु वैष्णव की सेवा में लगा, ठाकुर की सेवा में, अगर क्योंकि प्रवृत्ति ऐसा होता ना निवृत्तेस तो महाफला, जो प्रवृत्ति मार्ग भोग मार्ग में बड़ा फल नहीं, निवृत्ति मार्ग में फला, एक जीवन अगर गुरुदेव करते एक जीवन अगर कष्टम अष्ट करते में वास किया हरिनाम भजन भक्ति किया तो ये सुकृति फिर अगले जीवन में बढ़ करके प्रकट होगा, कभी घट करके नहीं, घट करके नहीं, ये बढ़ करके प्रकट होगा। देखो एक चीज समझो, जैसे यहाँ सवेरे कितना कितना बजे उठ जाते हो, उठ जाते हो, उठ करके जैसे यहाँ पर ठाकुर का यहाँ पर हरिनाम करते होंगे, फिर उसके बाद ठाकुर का आरती होता होगा, कीर्तन हरिकथा होगा, समझो 8-9 बजे तक कंटिन्यू 4 बजे से लेकर के 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 घंटा कहीं इधर उधर चिंता की कोई फुर्सत नहीं, पूरा के पूरा भगवान की कथा नाम कीर्तन में पूरा डूब जाते, शाम को भी जाते दिन भर प्रभु का। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मैंने राधा रानी का जो निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ पर गौरी मठ रूप में मैंने उतारा है, जैसे राधा रानी के निकुंज मंदिर में जो जो हो रहा है यहाँ पर वही काम हो रहा है, हम सोच नहीं सकते इसका कितना अच्छा संस्कार बन रहा है। साधारण लोग अगर संसार में होंगे तो क्या करते होंगे, टीवी देखते होंगे, इधर उधर दुनियादार की बात करते होंगे, विषय की चर्चा करते होंगे, लेकिन हम मंदिर में क्या करते हैं, भगवान का कीर्तन भगवान के नाम उनकी जय सुन की गान उनकी भजन करते हैं। इसलिए धीरे 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 अंदर में ये सब संस्कार सब रेखापात कर रहा है, सब रेखापात कर रहा है, और एक दिन जब उभर करके निकलेंगे ना तो माली माल है, अभी तो पता चल नहीं रहे, पहले जब कड़वा लगता है ना बाद में मीठा,
जो पहले मीठा लगती है बाद में कड़वी लगती है। अभी जो सागर वगैरह है थोड़ी सी आप ठंडा समय में लेक और गए सो रहे हो, जिस समय लोगों को ज्यादा नींद आता है उस समय हम रिजाई को छोड़ करके हम क्या करते हैं स्नान करके ले जाते हैं सवेरे है। लेकिन ये लगता है क्या ऐसे लगता है बड़ा कष्ट है, नहीं, इसका जो फल निकलेगा ना वह तो जन्म जन्मान करके इस समस्त दुख कष्ट से मुक्त होकर के राधा कृष्ण की नित्य सेवा में हमें अधिकार मिलेगा, जहाँ रोग शोक दुख कष्ट से चिरकाल के लिए हम मुक्त मिले। इसलिए उत्साहपूर्वक है उत्साहपूर्वक उमंग के साथ में क्या करो भगवान हरि नाम करो, भजन करो, भगवान की कथा प्रचार करो और खूब आनंद करो, निरुत्साहित कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। निताई गौर प्रेमानंद बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम।